हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एडिटोरियल डालूंगा, लगभग 4 दिन हो गया। ठीक है, बीच बीच में कुछ कुछ काम आ जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो क्या करूं, जो टाइम मिलता है उसमें मैं डालता हूं। तो ये आज का एडिटोरियल है, चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है बिना वक्त गवाए। और इससे पहले, अगर आप लोगों में से कोई भी इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। यहाँ पे हर तरह की इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि अगर आपको इंग्लिश लिसन करनी है तो उसके लिए भी वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको स्टोरी के मतलब इंग्लिश स्टोरी लिसन करना है, उसके थ्रू आप इम्प्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश, या फिर आप स्टोरी के थ्रू मतलब इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं उसकी हिंदी मीनिंग के साथ, तो वो भी अपलोड करता हूँ और एडिटोरियल भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलिए। और एडिटोरियल मैं ज़्यादातर अपलोड करता हूँ लगभग रेगुलर, स्टोरीज़ जो है वो सप्ताह में 1-2 ही अपलोड करता हूँ। रिमेंबर मतलब क्या होता है, याद करना। ठीक है, मणिपुर मतलब मणिपुर एक राज्य है, आप लोग जानते हैं हमारे देश भारत का, तो मणिपुर को याद करो। ठीक है, और मणिपुर उत्तर पूर्व का राज्य है। ठीक है, हमारे कंट्री के उत्तर पूर्व में मणिपुर आता है। तो चलिए हेडलाइन देखते हैं क्या है। सीएम बीरेन सिंह्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स कंटिन्यूइंग क्राइसिस इज बिलेटेड बट वेलकम, ही मस्ट एक्ट ऑन इट। सीएम बीरेन सिंह, बीरेन सिंह कहाँ के सीएम है, मणिपुर के, एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो सीएम बीरेन सिंह का। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्नॉलेज करना, मतलब स्वीकारोक्ति स्वीकार करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, स्टेट मतलब राज्य, और फिर एपोस्ट्रॉफी एस है तो राज्य का। ठीक है, और फोर है प्रीपोजिशन है के लिए। ठीक है, कंटिन्यूइंग मतलब लगातार, क्राइसिस जानते हैं ना, संकट। ठीक है, इज मतलब है, बिलेटेड मतलब देर से ही, बट लेकिन, वेलकम मतलब स्वागत योग्य। ठीक है, तो सीएम बीरेन सिंह का जो स्टेट का जो अभी लगातार चलता हुआ जो संकट है, उसके लिए जो उन्होंने स्वीकार किया है, वो भले ही देर से ही आया है, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है, और ये क्या है, स्वागत योग्य है। ठीक है, ही मस्ट एक्ट ऑन इट, ही मतलब उन्हें, मस्ट एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब होता है चाहिए, निश्चित रूप से, मतलब कंपल्सन को दर्शाता है कि निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए इस तरीके से, जैसे आई मस्ट गो टू होम, मुझे निश्चित रूप से घर जाना चाहिए। ठीक है, तो ही मस्ट एक्ट, उन्हें निश्चित रूप से इस पर, इसको कार्यान्वित करना चाहिए, इस पर एक्ट करना चाहिए, मतलब इसमें पे कार्य करना चाहिए। ठीक है, ऑन मतलब पर, इट मतलब इस पर। ठीक है, तो ये था हेडलाइन। चलिए हम लोग इसके पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, देखते हैं इसमें क्या है। इन द ईयर सिंस एथनिक वायलेंस रप्चर्ड मणिपुर, किलिंग ओवर 200 पीपल एंड डिस्प्लेसिंग ओवर 60,000, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैव रिपीटेडली लेड द ब्लेम ऑन आउटसाइडर्स इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार, विद हुम द कुकीजोश इन द स्टेट्स हिली रीजन शेयर ए कॉमन एथनिसिटी, होल्डिंग देम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द स्टेट्स इलिसिट ड्रग ट्रेड। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, लेकिन इसको हम लोग ईजी बना करके पढ़ेंगे, यानी तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे। इन मतलब में, ईयर मतलब वर्ष। ठीक है, सिंस मतलब से, उसके बाद एथनिक मतलब होता है जातीय विशेष। ठीक है, वायलेंस मतलब हिंसा, रप्चर्ड मतलब बर्बाद कर दिया। ठीक है, मणिपुर मतलब मणिपुर को। ठीक है, किलिंग मतलब मारते हुए, ओवर मतलब से अधिक, 200 पीपल मतलब 200 लोगों से ज़्यादा को मारते हुए, एंड मतलब और, डिस्प्लेस करना मतलब, डिस्प्लेस करना आप लोग जानते ही है, उस किसी एक जगह से हटा देना है ना, तो ओवर 60,000 मतलब 60,000 से अधिक, बोथ मतलब दोनों, सेंटर मतलब केंद्र, स्टेट मतलब राज्य, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, हैव प्लस वर्ब का थॉट फॉर्म है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थॉट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे रिपीटेडली है, एडवर्ब है। ठीक है, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार, रिपीटेडली मतलब बार बार क्या किया, लेड मतलब क्या किया है, तो डाला है। ठीक है, लेड मतलब डाला है, क्या डाला है, ब्लेम मतलब दोष, किस पर, आउटसाइडर्स पे मतलब बाहरी लोगों पे, इलीगल मतलब अवैध, माइग्रेंट मतलब आप लोग जानते हैं
जो प्रवासी लोग होते हैं उनको माइग्रेंट कहा जाता है, फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार से, विद हुम, विद हुम मतलब जिसके साथ, ठीक है, विद एक प्रीपोजिशन है और विद का ऑब्जेक्ट है हुम, ठीक है। कुकी जोश इन द स्टेट से हिली रीजन, स्टेट यानी राज्य, एपोस्ट्रोफीस लगा है तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी जोश जो हैं शेयर करते हैं, शेयर मतलब बांटना, एक दूसरे से शेयर करना, कॉमन मतलब सामान्य, एथनिसिटी मतलब जातीयता, होल्डिंग देम, होल्डिंग देम मतलब उन्हें ठहराना, ठीक है, वैसे होल्ड का मतलब पकड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी को पकड़ना, मतलब क्या, जिम्मेदारी, जिम्मेदार ठहराना, ठीक है, किसी को जिम्मेदार ठहराना, ठीक है। फॉर द डिसरप्शन, डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है मतलब रुकावट पैदा करना, व्यवधान डालना, तो व्यवधान के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ, स्टेट के इलिसिट, जो इलिसिट मतलब अवैध, ड्रग मतलब ड्रग से संबंधित, और ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। इन द ईयर सिंस एथनिक वायलेंस रप्चर्ड मणिपुर, उस वर्ष में जब से कि जातीय हिंसा ने मणिपुर को क्या किया है, क्या किया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रप्चर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट इन द ईयर सिंस एथनिक वायलेंस, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट है मणिपुर, ठीक है। तो जब से उस वर्ष में जब से कि जातीय हिंसा ने क्या कर दिया, मणिपुर को बर्बाद कर दिया, कैसे बर्बाद किया, तो 200 लोगों से ज़्यादा को इसमें मतलब मारे गए, मारते हुए, और फिर डिस्प्लेस करते हुए 60,000 लोगों को, 60,000 लोगों को डिस्प्लेस कर देना, एक मतलब एक जगह से हट करके लोगों को कहीं दूसरे जगह जाना होता है, उसको डिस्प्लेस करना बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि बोथ मतलब दोनों, सेंटर और राज्य एडमिनिस्ट्रेशन ने, केंद्र और राज्य प्रशासन ने बार बार क्या किया, दोष किस पे मढ़ा, आउटसाइडर्स पे, मतलब बाहर से आने वाले लोगों पे, कौन से आउटसाइडर, तो इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार, ऐसे प्रवासी लोग जो कि अवैध रूप से म्यांमार से आए हुए हैं, विद हुम जिनके साथ की कुकीजोस लोग जो हैं राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में, कुकीजोस लोग क्या करते हैं कि जातीयता का एक सामान्य मतलब ये राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, एक सामान्य जातीयता को शेयर करते हैं, मतलब बांटते हैं, यानी एक सामान्य, दोनों एक, सभी लोग, ये सभी क्या करते हैं, एक ही जाति से आते हैं, इसका सेंस ये होगा, ठीक है। होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसरप्शन, मतलब उनको जो व्यवधान के साथ साथ है वो राज्य में जो भी अवैध ड्रग के व्यापार होते हैं उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि जो जिस वर्ष में जातीय हिंसा ने, मतलब उस वर्ष में जब से कि जातीय हिंसा ने मणिपुर को बर्बाद कर दिया, जिसमें कि 200 लोग से ज़्यादा मारे गए और 60,000 लोगों से ज़्यादा क्या हुए, डिस्प्लेस हुए, तो राज्य और केंद्र दोनों प्रशासनों ने क्या किया है, बार बार जो बाहरी लोग हैं उन पर इसका दोष डाला है कि इसके लिए तो रेस्पॉन्सिबल बाहरी लोग हैं, और ख़ास करके जो म्यांमार से आए हुए अवैध प्रवासी लोग हैं वो लोग हैं, और उनके साथ साथ वो लोग भी हैं जो कि कुकी जोस लोग हैं, जो ये बाहर से आए और ये उसी राज्य के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें क्या करते हैं कि उसी सामान्य जाति के से आते हैं, मतलब म्यांमार के जो लोग हैं उसी जाति के ये लोग भी हैं, और ये क्या, और क्या करते हैं कि राज्य में जो अवैध ड्रग का व्यापार है उसको साथ साथ फैलाते हैं, और उसके साथ साथ ये लोग राज्य के कामों में क्या करते हैं, डिसरप्शन, व्यवधान भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now in his first interview after the Lok Sabha elections to this paper, the admission of Chief Minister and Biren Singh of his government's failure to contain the unrest comes as a welcome though belated acknowledgement of responsibility. कह रहा कि now मतलब अब in his first मतलब अपने पहले interview में, अपने पहले interview में, आफ्टर मतलब के बाद, लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है, टू दिस पेपर, इस पेपर को, इस अखबार को, एडमिशन, एडमिशन मतलब क्या है, यहाँ वैसे तो एडमिशन मतलब प्रवेश करना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो क्या होगा, जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा वो क्या होगा, स्वीकार करना, ठीक है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह का प्रवेश करना, किस चीज़ में प्रवेश करना, तो यहाँ तो प्रवेश करना मतलब सूट नहीं करेगा, तो ये प्रवेश करना क्या है, एडमिशन लेना यानी स्वीकार कर लेना, ठीक है, उनकी सरकार की जो फेल्योर है मतलब विफलता है, टू कंटेन, कंटेन मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना, ठीक है, किसको, अनरेस्ट मतलब अशांति को, बेचैनी को, कम्स मतलब आता है,
क्योंकि कम्स है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, एज ए वेलकम मतलब स्वागत के रूप में, ठीक है। दो बिलेटेड भले ही देर से ही, एक्नोलेजमेंट मतलब स्वीकारोक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ठीक है, ऑफ मतलब का यानी जिम्मेदारी की स्वीकारोक्ति। तो कह रहा है कि जो इस पेपर को लोकसभा इलेक्शन के बाद दिए अपने पहले इंटरव्यू में जो मतलब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो उन्होंने जो स्वीकार किया अपनी सरकार की असफलता विफलता को जो स्वीकार कर किया, किस चीज़ की विफलता, तो जो राज्य में अशांति है उसको नियंत्रित करने में जो विफलता थी उसको स्वीकार किया, वो क्या आता है, वो स्वागत के रूप में आता है, ठीक है। भले ही देर से ही उन्होंने स्वीकार किया, भले ही देर से ही ये चीज़ आई, लेकिन वो स्वागत के रूप में आता है और ये उनकी जिम्मेदारी का जो स्वीकारोक्ति है ये मतलब काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देर से ही भले ही आया है लेकिन ये स्वागत के योग्य है, ठीक है। विद फ्रेश वायलेंस इन जिरीबाम एंड एन अटैक ऑन सिंह्स एडवांस कॉन्वे टू द डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द गवर्नमेंट बिगिंस एट द अर्लीस्ट द लॉन्ग ओवरड्यू वर्क ऑफ हीलिंग। विद मतलब के साथ, फ्रेश मतलब ताज़ा, वायलेंस मतलब हिंसा, इन मतलब में, जिरीबाम जिरीबाम में, एंड एन अटैक और एक आक्रमण, किस पर, ऑन सिंह्स एडवांस कॉन्वे, सिंह का जो एडवांस मतलब अग्रिम पहले से ही, कॉन्वे मतलब काफिला, ठीक, टू द डिस्ट्रिक्ट जिले में, इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब जरूरी आवश्यक, तो यह जरूरी होता है, हो जाता है, यह आवश्यक हो जाता है कि गवर्नमेंट बिगिंस, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, की सरकार क्या करे, शुरू करता है, शुरू करता क्या, अर्लीस्ट मतलब पहले ही, यानी शुरू करता या शुरू करते पहले ही, लॉन्ग ओवरड्यू, लॉन्ग मतलब लंबे समय से, ओवरड्यू मतलब बाकी, वर्क मतलब काम, ऑफ हीलिंग, हीलिंग का मतलब उपचार का, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ताज़ा ताज़ा अभी हिंसा हुई है जिरीबाम में, और फिर सिंह के जो काफिला जो कि इस जिले में जा रहे थे उन पर जो आक्रमण हुआ, तो इसके साथ ही क्या है कि ये जरूरी हो जाता है कि सरकार जो है वो क्या करती कि जो उपचार का काम जो कि बहुत लंबे समय से ओवरड्यू था, बाकी था, उसको पहले ही शुरू कर देती, ठीक है। शुरू की होती तो ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो आई होप ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो द रिकरिंग पैटर्न ऑफ वायलेंस इज सिम्प्टोमैटिक ऑफ द स्टेट्स कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री इन विच आइडेंटिटी इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। रिकरिंग मतलब आवर्ती मतलब बार बार होने वाला, ठीक। पैटर्न मतलब पैटर्न, वायलेंस मतलब हिंसा, तो ऑफ मतलब का, तो जो हिंसा का जो बार बार होने वाला पैटर्न है वो क्या है, इज मतलब है सिम्प्टोमैटिक, सिम्प्टोमैटिक मतलब आप जानते हैं सिम्टम बोलते हैं ना, लक्षण, ठीक है। तो सिम्प्टोमैटिक मतलब लक्षण से संबंधित है, क्या किसका लक्षण, तो स्टेट का जो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हिस्ट्री मतलब इतिहास है, किसमें, इन विच, जिसमें आइडेंटिटी मतलब पहचान, इज मतलब है ओनली वन केवल एक पार्ट मतलब हिस्सा, स्टोरी मतलब कहानी का, ठीक है। तो कह रहा है कि हिंसा का जो ये बार बार होने वाला पैटर्न है ना, ये क्या है कि राज्य का जो बहुत ही जटिल इतिहास है उसका लक्षण है, ठीक है, जिसमें क्या है कि पहचान जो कहानी का है वो केवल एक ही हिस्सा है, ठीक है। विद इट्स मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ मेइटेईस, कुकीजोस, बंगालीज, मुस्लिम्स एंड नागाज, जिरीबाम टू द वेस्ट ऑफ मणिपुर एंड बॉर्डरिंग आसाम्स कछार डिस्ट्रिक्ट फॉर इंस्टांस वॉज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस टू हैव बीन इंसुलेटेड फ्रॉम द अनरेस्ट इन द स्टेट। विद मतलब के साथ, इट्स मतलब इसके अपने, मिक्स्ड मतलब मिश्रित, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, किसका किसका, तो नाम दिया हुआ है मेइटेईस, कुकीजोस, बंगाली, मुस्लिम और नागा और जिरीबाम, ठीक, टू द वेस्ट ऑफ मणिपुर, मणिपुर के पश्चिम में, ठीक है। और बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग मतलब लगते हुए, बॉर्डर पर होते हुए, किसके, आसाम के कछार डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। फॉर इंस्टांस मतलब उदाहरण के लिए, वॉज मतलब था, ठीक, वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस, कुछ फ्यू मतलब कुछ, प्लेसेस मतलब जगह, कुछ जगहों में से एक, टू हैव बीन इंसुलेटेड, ठीक है, हैव बीन इंसुलेटेड है मतलब, इंसुलेट मतलब होता है ना कि बचना, ठीक है, सुरक्षित रहना, तो हैव बीन इंसुलेटेड मतलब सुरक्षित रहते हुए रहना, मतलब टू हैव बीन, जिसको कि सुरक्षित रखा जाए, फ्रॉम मतलब से,
अनरेस्ट मतलब जो अशांति है इन द स्टेट राज्य में, ठीक है। तो कह रहा है कि अपन जो मिश्रित जनसंख्या है इन सभी अलग अलग कम्युनिटी की, मेटीज, कुकीजोश, बंगाली, मुस्लिम, नागा, जिरीबाम, जो कि मणिपुर के पश्चिम में है, मतलब इन जातियों का जो बसाव है वो कहाँ कहाँ है, मणिपुर के पश्चिम में है और आसाम के कछार डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है, ठीक है। उदाहरण के लिए ये क्या था, ये कुछ जगह में से कुछ जगहों में से कुछ ये जगह ऐसे थे जहाँ जो कि बचे हुए थे, किस चीज़ से, राज्य में जो अशांति चल रही है उन चीज़ों से ये बचे हुए थे, ठीक है। दैट चेंज्ड लास्ट वीक फॉलोइंग ए मर्डर, जो दैट मतलब जो चेंज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म बदल गया, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, लास्ट मतलब पिछले या अंतिम, वीक मतलब सप्ताह, फॉलोइंग मतलब अनुसरण करते हुए एक मर्डर को, ठीक है, मतलब जहाँ पे अंतिम सप्ताह क्या हुआ, एक मर्डर हुआ और उससे ये भी बदल गया, ठीक है। द कॉन्फ्लेग्रेशन में ऑल्सो रिफ्लेक्ट अदर इनसिक्योरिटीज, कॉन्फ्लैगरेशन मतलब होता है आग का की लपटे आग लगना, ठीक है। मे मतलब मे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जो क्या करता है उसको दर्शाता है किस चीज़ को, तो पॉसिबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उसको दर्शाता है, ठीक। मे मतलब क्या कर सकता है, कर सकता है, ऑल्सो मतलब भी, रिफ्लेक्ट मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है, दर्शाना, ठीक है, प्रतिबिंबित करना, अदर मतलब दूसरे, इनसिक्योरिटीज मतलब असुरक्षाओं को, ठीक है। तो जो ये आग की लपटें हैं या ये आग है, यह क्या कर सकता है, दूसरी जो असुरक्षाएँ हैं उनको भी दर्शा सकता है। मणिपुर हैज़ द थर्ड लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री, मणिपुर हैज मतलब के पास होना, तो मणिपुर में क्या है जो पर कैपिटा इनकम है देश में वो तीसरा सबसे कम है, लोएस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है। डाउन फ्रॉम द हाईएस्ट अमंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन 1990s, और ये कम है अभी, लेकिन क्या है कि 1990 में जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य थे, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उत्तरी पूर्वी राज्य, उनके बीच में सबसे हाईएस्ट हुआ करता था, है ना, कि हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हुआ करता था अमोंग मतलब के बीच किन के, तो नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उत्तरी पूर्वी स्टेट्स मतलब राज्यों में 1990 में उससे डाउन हो गया, डाउन मतलब कम हो गया, ठीक है। अब क्या है, तो मणिपुर में ये कम हो करके तीसरा लोएस्ट है, मतलब सबसे कम है, क्या, पर कैपिटा इनकम। द स्टेट रैंक्स लो ऑन मोस्ट इंडिसेस फ्रॉम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्टेट का रैंकिंग जो है, ठीक है, वो लो है, कम है, किन किन चीज़ों में, तो ज़्यादातर इंडिसेज में, ज़्यादातर सूचकांकों में, इंडिसेज मतलब होता है सूचकांक, ठीक है, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, ठीक है, लो मतलब कम, फ्रॉम एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अवसर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और हेल्थ केयर फैसिलिटी है उन वहाँ तक, ठीक है। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आप लोग समझते हैं, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत सुविधाएं जो होती है, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग और हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर, हेल्थ से संबंधित फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं, ठीक है। द रिजल्टेंट एंजाइटीज एग्जासर्बेट एथनिक टेंशंस एंड एक्विजिशंस ऑफ पार्टीशनशिप इन रिसोर्स एलोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिजल्टेंट मतलब परिणाम के स्वरूप जो चीज़ें आती हैं उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। एंजाइटीज मतलब चिंताएं, एग्जासर्बेट मतलब आवश्यकता से अधिक बढ़ा देना, एथनिक मतलब जातीय, टेंशन मतलब टेंशन तनाव, एंड मतलब और एक्यूजेशंस मतलब आरोप, पार्टीशनशिप समझते हैं ना कि पार्टीशन करना, किसी एक के मतलब किसी के पक्ष में बोलना, जिसको हम लोग पक्षपात कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इन मतलब में रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स होता है, एलोकेशन मतलब आवंटन, रिसोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, रिसोर्स अभी ध्यान में नहीं आ रहा है शायद, हाँ संसाधन कहते हैं, आ गया, संसाधन का आवंटन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। तो जो परिणामी जो चिंताएं हैं वो क्या करती हैं, तो जो जातीय तनाव है उसको आवश्यकता से अधिक बढ़ा देती है। यहाँ पे रिजल्टेंट एंजाइटी क्या है, सब्जेक्ट है, और एग्जासर्बेट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और किन चीज़ों को आवश्यकता से अधिक बढ़ाती है, तो एक्विजिशंस ऑफ पार्टीशनशिप इन रिसोर्स एलोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब संसाधन का आवंटन है और प्रशासन है, इसमें जो पक्षपात का जो आरोप है इसको भी आवश्यकता से अधिक बढ़ा देती है। तो चलिए, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई
होगी। हाँ हो गई लगभग 17-18 मिनट की, तो काफ़ी है इतना। थर्ड पैराग्राफ मैं रहने देता हूँ, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।